बीजेपी गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में, शिवसेना गवर्नमेंट है, ये होना नहीं है। हाई कोर्ट के एक फैसले को मानने के बाद उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट रद्द करती उसको, तो इससे एक संकेत मिल गया कि जब तक ये हुकूमत है तब तक ये काम होने वाला नहीं है। आप धरना करो, मोर्चा करो, प्रोसेशन निकालो, भूख हड़ताल करो, कुछ भी करो, ये लोग आपकी बात मानने वाले नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम करना बंद कर देना चाहिए, हमको मेहनत करनी चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, और ये जस्ट डिमांड हमारी है उसको मनवाने के लिए जो कुछ मुमकिन है करना चाहिए। लेकिन ये अब 2019 के पहले चाहते कि माहौल खराब हो, पोलराइज हो, कम्युनलाइज हो, तो इससे फायदा डायरेक्ट बीजेपी को पहुंचे। और दूसरा मेरा मानना यह भी है, बहुत सख्ती से मैं कहता हूं कि जब तक पॉलिटिकल लीडर आगे रहेंगे इस मोर्चे में या इस क्रांतिकारी जो हमारा जो आरक्षण के बारे में, तो इसको बड़ा फायदा नहीं पहुंचने वाला। ये जो जिस तरह मराठाओं ने किया कि उनके पॉलिटिकल लीडर्स बाजू में रहे, पीछे रहे, साथ दिया उन्होंने, सपोर्ट किया पीछे से, लेकिन आगे नहीं आए। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि हर मुस्लिम नेता आगे आ रहा है, वो अपना नाम करने के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपने वोट्स के लिए, अपनी पार्टी के लिए, तो उससे इस मूवमेंट को बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। तो सर, इस बारे में आप मुस्लिम अवाम से क्या कहना चाहते हैं आरक्षण के लिए? देखिए, अगर अभी मेरी स्पीच होगी तो मैं कहूंगा कि जितने पॉलिटिकल लोग हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इससे हट जाएं और ये हर जिले के अंदर एक कमेटी बन जाए जो पूरे महाराष्ट्र को कवर करे, और सब ये लोग पब्लिक मिलकर करें, एनजीओ और पब्लिक मिलकर करें, हमारा साथ हो उनको पीछे से, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा। वरना क्या, जैसा छोटी पार्टी एक एमएलए की पार्टी है, उसका साथ रहना या नहीं रहना, उसका मूवमेंट में हिस्सा लेना या नहीं लेना, क्या फर्क पड़ने वाला है? उनके टोटल 20,000 वोट है पूरे महाराष्ट्र में। तो ऐसे लोग अगर पार्टी ऐसी पार्टी अगर मूवमेंट शुरू करेगी तो नुकसान होगा, क्या फायदा होगा? सर, कुछ मुस्लिम एमएलए महाराष्ट्र के इस अधिवेशन के लिए विरोध किया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? उनके विरोध करने से, आने से, नहीं आने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पार्टी भी बहुत छोटी पार्टी है, वो वन एक टाइम का एक वो है, क्या झलक है, वो बाद में दिखने वाले भी नहीं आगे आपको। ये जज्बाती बात करके, मुसलमानों को बांट कर, हिंदुओं को एक करके उन्होंने वोट हासिल किया है, जज्बाती नारे देकर। उनकी जिंदगी, उनकी लाइफ बहुत छोटी है, इस 5 साल से आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, मैं कहता हूं कि जब जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या नेता को लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपका अधिवेशन, आपका जो जो आपका आरक्षण का जो मुद्दा है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए कहता हूं कि हर पार्टी चाहेगी कि वो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े ताकि मुसलमान का उसको मिले, उसके दिल में आपके लिए बहुत सब चोरी सब नहीं हो, उसको आपका वोट चाहिए। तो जिस तरह हमारा मराठा लोगों ने, मराठा लोगों ने आगे बढ़कर एक साथ और काम किया है, उनके लिए साथ में है, उनसे पैसा लीजिए, उनसे ताकत लीजिए, उनका भरोसा लीजिए, उनका साथ लीजिए, उनको आगे मत रखिए, उनको देखकर खराब काम से आपका खराब होने वाला है। एक बात आपसे कहता हूं, देखिए लड़ाई दो तरह की होती है। 2019 तक ये सरकार है, 2019 तक ये सरकार आपके सामने है, उसके बाद आगे सरकार किसकी होगी ये आपके हाथ में है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकामी तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकामी तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शामी तो है।